सुमित बैंड दिखाया कर रहा है डीजे बिल्कुल भाई, अब से मैं डीजे की लाइन छोड़ चुका हूँ, अब से मैं मार्केट में 24 इंच का प्रेशर सुनाएंगे। ये 420 की मैग्नेट है। वेलकम एवरीबॉडी, दिस इज सुमित ब्लॉगर। राम राम जी भाई, सभी भाइयों को, मैं आपका भाई सुमित। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि तुम्हारा भाई करता रहता है इंटरव्यू, तो इंटरव्यू को देखते हुए आज भाइयों हम आए हैं हरिद्वार की कांवड़ यात्रा की अपडेट लेने के लिए। और हरिद्वार की कांवड़ यात्रा की अपडेट लेने के लिए हम आए हैं भाइयों मेरठ में डीजे विराट रावन, जिनका भाइयों इस बार जाने वाला है हरिद्वार की कांवड़ यात्रा में ट्रोला, जो कि जाने वाले चौधरी डीजे पलतापुर के साथ में, जो इस बार है वो कॉम्बिनेशन में, मतलब ट्रोला जाने वाला है, जो इस बार की मतलब ये देखा गया है कि क्या नाम है, कॉम्बिनेशन में ट्रोला लेके जाने वाले हैं। तो साज सामान वगैरह जो है वो यहाँ पे रेडी वगैरह होने वाला है, जो कि हमारे अनिल भाई करेंगे इस बार हरिद्वार की कांवड़ यात्रा के लिए। और सारे स्पीकर वगैरह जो भी हैं, 21 इंची स्पीकर और 22 इंची का इस बार जो है मतलब स्पीकर अपनी बेस में उन्होंने डालने की मतलब सोच किया कि वो बेस में 22 इंची का स्पीकर डालेंगे। तो हमारे अरुण भाई आएंगे और बादशाह भाई भी थोड़ी नॉलेज वगैरह देंगे, तो उनसे भी पूछेंगे हम कि हरिद्वार की कांवड़ यात्रा की क्या क्या अपडेट है, क्या क्या सामान भाई रेडी हो गया है, हमारी पब्लिक को दिखाओ अच्छे से उनको एकदम। जैसे ही अरुण भाई आते हैं फिर दोबार से आते हैं बिल्कुल एकदम। दोस्तों देख सकते हो हमारे बादशाह भाई आ चुके हैं बिल्कुल एकदम। बादशाह भाई आपका स्वागत है सबसे पहले, तो जय श्री राम हर हर महादेव बादशाह भाई की तरफ से। बादशाह भाई स्वागत है आपका हमारे चैनल सुमित ब्लॉगर पर। थैंक यू सुमित भाई। बिल्कुल। और बादशाह भाई ये है हमारे अरुण भाई की शॉप। हाँ जी, अपनी शॉप है। बिल्कुल, आपकी अपनी शॉप है जी। तो आइए कृपया करके, इतने अरुण भाई आ रहे हैं इससे। वो पीछे रह गए शायद मेरे हिसाब से, वो गेम की वो खोल रही है दुकान। अच्छा, गेम की दुकान खुल रही है। तो फिर वो वहाँ पे रह गए। सुबह से ना वो दुकान बंद थी, सुबह से काम कर रहे हैं सुमित भाई। अच्छा, डीजे में थोड़ा वो ही है। बिल्कुल, उसके चक्कर में तो हम थोड़ा सा काम में लगे थे। अच्छा, इससे मतलब थोड़ा काम वगैरह में लगे हुए थे, स्पीकर वगैरह सब कुछ ये सब चेंज वगैरह कर रहे थे। जो स्पीकर है बादशाह भाई वो आप ही दिखाओगे या फिर अरुण भाई दिखाएंगे? दरअसल क्या है, स्पीकर जो है जो हमारे बनाने वाले इंसान है वो हमारे मामा जी। बिल्कुल, ये हमारे मामा जी गुरु जी है, ये अरुण भैया के, बिल्कुल अरुण भैया के मामा जी। यही बताते हैं कि ऐसा ना ऐसा करो, ऐसा ना ऐसा करो, ये चीज लगाओ वो चीज लगाओ, जो भी है सारे मतलब मैन्युफैक्चरिंग। कम से कम 18-19 साल का एक्सपीरियंस इन्हें है। 18-19 साल का एक्सपीरियंस इन्हें है। बिल्कुल। और मामा जी आपने कब से स्टार्टिंग करी है आपने स्पीकर वगैरह मैन्युफैक्चरिंग की? 1999 से। अच्छा, तो तभी आपने मतलब स्पीकर वगैरह बनाना स्टार्ट कर दिए? पहले मैंने आईटीआई करी थी। आईटीआई करी थी। अच्छा, तो स्पीकर वगैरह आपने कैसे सोचा, आपको डीजे का शौक था? नहीं, मैंने आईटीआई की थी। मैंने आईटीआई करी थी एम्पलीफायर की। उसमें जब एम्पलीफायर करते थे तो स्पीकर का भी हमारे बराबर में क्लासेस होती थी। अच्छा, तो उधर भी चले जाते थे। फिर मैंने 3 साल वो अपने वो छोड़ के फिर मैंने स्पीकर की आईटीआई करी। अच्छा, स्पीकर वगैरह के रिलेटेड मतलब आपने पढ़ाई वगैरह करी सब कुछ, फिर तब जाके आपने स्पीकर की हर एक चीज को समझा, सोचा कि भाई वो स्पीकर बना के ट्राई करते हैं। अच्छा, तो आपने पहली बारी में जब स्पीकर बनाया मामा जी, तो आपने तभी मतलब बना दिया था किस स्पीकर? नहीं, पहली बारी में सक्सेस नहीं, उसके 2 साल बाद। अच्छा, उसके 2 साल बाद आपने जो है थोड़ी स्पीकर बनाया। आर्थिक थोड़ा सा फाइनेंशियली प्रॉब्लम आ गई थी। अच्छा, तो मुझे हमारे अपने गाड़ियां चलती हैं हमारे अपनी ट्रक वगैरह, तो मैंने 2 साल में गाड़ी मैंने अपने ड्राइवर के साथ चलवाई। फिर अच्छा, फिर जब फ्री हो गए, फ्री होने के बाद जब मैंने स्पीकर बनाने शुरू करे, जब स्पीकर बनाने शुरू करे, पहली बारी में मतलब सक्सेस नहीं मिल पाई, फिर थोड़ा नहीं, लाइफ में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि सक्सेस नहीं है। बिल्कुल, जहाँ हाथ डाला वो सक्सेस निकला, जहाँ हाथ डाला वहीं पे सक्सेस निकली। बिल्कुल, एकदम सक्सेस मिल गई। हाँ, फिर पहली बारी में आपने कैसे टॉप का स्पीकर बनाया था या फिर कैसे बेस का स्पीकर? नहीं, 12 इंची का। 12 इंची का स्पीकर बनाया था। 12 इंची, पहले ढोल चलते थे। अच्छा, जब हो सकता है आपका जन्म भी ना हुआ हो, उस टाइम ढोल चला करते थे, 4 स्पीकर के ढोल। हाँ, और उसमें 8 लगते थे, ये ट्विटर लगते थे 8। तो वो ढोलों ढोल चलते थे। तो जैसे हरिद्वार का मेला है, किसी ने 20 ढोल लगा रखे हैं, किसी ने 50 ढोल लगा रखे हैं, राजा राम जी लगा देते थे 100-100 ढोल लगा देते थे। तो एक कम से कम ये मान के चलो 500 मीटर की दूरी तक साउंड लगती थी, इतनी दूर लग जाती थी। फिर ये टॉप का जमाना आया बाद में, फिर उसके बाद में आया ढोल के बाद में टॉप का जमाना। सबसे पहले जो चला करते थे ढोल चला करते थे। हाँ, फिर ये राजा, ये रॉक वाले, ये वगैरह जो ऊंचे साउंड वाले थे, ये टॉप ले आए। अच्छा, इन्होंने टॉप वगैरह के मतलब बेस का जमाना चला।
अब बेस का जमाना पब्लिक पे है, सब पे है। बिल्कुल बेस अब आज के टाइम पे सभी पे बेस वगैरह है। आज की डेट में तो सुमित भाई औकात का ही नहीं पता कि कौन कितनी बेस लगा देगा, क्या करेगा क्या नहीं करेगा, कौन सा स्पीकर लगा रहा है। पब्लिक इतना सोचते है कि यार मुझे 21 इंच लगाना चाहिए, लेकिन पब्लिक का दिमाग इतना भी तेज है कि शायद 21 इंच से भी अच्छा कोई और स्पीकर हो, 21 इंच में कोई ऐसे इतना अच्छा स्पीकर आ रहा है कि हम उसे लगा ले। देखो सोचते यार पब्लिक पढ़ी लिखी है, ऐसी नहीं कि पब्लिक पागल है, ठीक है। हाँ पहले नहीं थी नॉलेज, पहले यूट्यूब नहीं था, नेट नहीं था इतना। अब तो नेट ऐसी चीज हो गई कि कुछ चीज ना हो तो अपने यूट्यूब पर देखो, सर्च मारो, किसी चीज की नॉलेज लेना चाहते तो वो यूट्यूब बता देता है कि इसकी चीज ये नॉलेज है। बड़ौद से बड़ौद जो मेरे बड़ौद के कस्टमर है 24 इंच के स्पीकर मैं अपने बना के दिए हुए हूं। अभी इस टाइम में 24 इंच के स्पीकर आपने बना के दिए बड़ौद के, दूर के हैं वो कस्टमर हैं आपके, तो वो आपसे यहीं से मैन्युफैक्चरिंग करवा के लेके गए थे। बिल्कुल एकदम। जब स्टार्टिंग में दूसरा नंबर पहले मन्नी था, लेकिन उनके पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। वो तो देखो दुकानदार आदमी है, मिस्त्री अंदर बैठा रखे हैं उन्होंने, वो मिस्त्रियों को क्या, भाई दुकानदार को क्या पता बेचारे को। बिल्कुल वो तो, लेकिन मैं एक ऐसा आदमी था कि आज तक ना तो मैंने कोई लड़का रखा सिखाने के लिए, 20 साल के अपने 25 साल के कैरियर में आज तक कोई लड़का नहीं रखा डीजे पीए स्पीकर सिखाने के लिए। अपना आप दिल्ली जाना, अपना आप को सलाह दे नहीं दुकानदार को, किट तैयार करवानी, कितने एमएम में करवानी है, कैसे करवानी है, अपना आप सब काम मैंने अपना आप करता था सब कुछ। आज भी क्योंकि नॉलेज थी आपको, पढ़ाई। सामान हम आपको दिखाएंगे पल्ले घर में, हमारा जो दूसरा घर है तो शॉप है, हम पल्ली तरफ दिखाएंगे आपको कि सामान स्टॉक कितना लगा हुआ है। सुमित भाई ये स्पीकर आपके सामने, दो स्पीकर एक दिन के अंदर तैयार कर दिए। सजाद भाई के स्पीकर और ये 15 इंच सजाद भाई के हैं, ये आज तैयार हुए और ये अब सजाद भाई के तैयार हो रहे हैं। मतलब स्टॉक इतना लगा हुआ है कि सुमित भाई की हमें खुद नहीं पता है कि कितने स्पीकर। आप आओ दिखाऊं मैं आपको, माल आया हुआ है जो कच्चा माल आया हुआ है मार्केट से। जब मामा जी 14 मतलब जब आपने स्टार्टिंग में जो भी आपने ढोल वगैरह बनाए तो वो कौन से एम्प वगैरह से लगाते थे उस समय? 500 वाट के एम्प चलते थे, ओमेगा वगैरह के, आहूजा वगैरह के। अच्छा हाँ, फिर एक एम्प आया था शायद किसी को पता ना हो, देखो मैं बता दूं, ग्रेस का। ग्रेस हाँ, ग्रेस के बाद तो फिर स्टूडियो मास्टर के बाद तो फिर ये तुम्हारे प्रोटोन आने लगा। प्रोटोन के बाद CX आने लगा, CX के बाद तो ये तुम्हारे आजकल तो ये जाइफर लैब वगैरह ये को आने लगे। लेकिन ये तो ऊंची ऊंची कंपनी आ गई अब, और ऊंची ऊंची कंपनी आ गई। एक सेट आता है एमप्रो का, एमप्रो का, उसका सेट का तोड़ नहीं है आज भी, उस सेट का तोड़ नहीं है किसी जाइफर पे भी नहीं होने का। बेस वो काफी अच्छी मारता है टॉप चलाने के लिए, टॉप चलाने के लिए। अच्छा ये सारी जो है वो किट वगैरह नीचे सब। अच्छा 290 से लेके और 330 तक की, 420 तक की किट लगी हुई है। आप देखो नजर मार के देखो सारी किट है ये नीचे की जितनी भी सारी है। 420 के अंदर साइड जो है ये 420 है, ये 330 है, 280 90 जो भी 290 है। अच्छा तो ये अलग अलग मतलब 18 इंची 21 इंची ऐसे करके कोई 21 पे लगेगी, कोई 18 पे लगेगी, कोई 24 पे भी लग सकती है। 24 इंची की बेस 420 की आने वाली है। मेरी बात सुनो सुमित भैया, ये तो जिस बंदा बनवा रहे हैं चौधरी डीजे वाले, ये 21 पे लगवा लो चाहे 24 पे लगवा लो, माल इनका ये आया पड़ा है। ये छज्जे के सामान, इनके छज्जे भी आए पड़े हैं छज्जे में, ये सारी जो है वो बास्केट है। मतलब ये सुमित भाई ये 21 इंची का छज्जा है। अच्छा ये 24 इंची का, ये 24 इंची का सज्जा है। हाँ, तो इस बार मतलब 24 इंची भी दिखने वाली हाँ, है। हाँ, आपके मार्केट में 24 इंची दिखाएंगे, मार्केट में 24 इंची का प्रेशर चलेगा। 18 21 24 की मतलब मिक्स ना हो हाँ, ताकि छज्जा उत्तर में थोड़ा तो पिछन जाता है कि चौड़ाई ज्यादा हो जाती है। बिल्कुल स्पेशल कॉइल आई हुई है ये, इसमें पूरी कॉइल है, इसमें सारी कॉइल आई हुई है जितनी। ये हमारी मार्केट का माल नहीं है, हमारा कुछ भी माल मार्केट का नहीं है। लाजपत राय मार्केट का एक तार भी नहीं लगाते, ये कॉइल हमारी बास्केट से लेकर कोई भी चीज नहीं है। ये 24 इंच की जो कॉइल लगाता था मैं बहुत 6 इंच वो इसको पहले मैं लाजपत राय मार्केट से ही माल लेता था, लेकिन देखो अब नहीं लेता मैं। बिल्कुल एक डब्बा रखा एक यूरा एक ओरा इधर रखे। अब पल्ले कमरे में चले जाओ, अब दूसरे वाले कमरे में चलते हैं, वहां पे दिखाते हैं। बिल्कुल एकदम सामान वगैरह कॉइल के डब्बे, ये सब कॉइल के डब्बे लगे हुए हैं हमारे पास। क्रॉसओवर भी अवेलेबल है सेल के लिए, ये सेल के लिए क्रॉसओवर वाले। और ये स्पीकर भी सेल के लिए लगे हुए हैं, ये स्पीकर आप सेल कर रहे हो? हाँ। सिर्फ मैं गोदाम के अंदर बिल्कुल
ये सब हमारा ये कोयला है भाई, कौन एक दो नहीं 50, ये पैकेट लगे हुए हैं कौनों के, ये कौन का पैकेट है, इनमें इसमें भी कौन है और ऊपर वो कॉइल वगैरह रखी है। हमारे पास एक चीज और है, हमारे पास एक फोर लेन का फोर लेन की कॉइल है हमारे पास, पूरे मेरठ में अगर किसी पे मिल जाए तो मेरी गारंटी है। फोर लेन इतना स्टॉक ना मिलने का, इतना स्टॉक मेरे पास है, यहाँ साइज के डब्बे हैं कॉइल के, हर साइज का डब्बा, हर साइज की कोयल, हर साइज का स्पाइडर है, हर साइज के स्पाइडर वगैरह भी है सारे, सब सब जो लैंग्वेज स्पीकर बनने के लिए, हर साइज का डायफ्राम है, बिक्री के लिए है, जैसे लोग आते हैं परेशान रहते हैं मार्केट ना, कोई इंसान मार्केट ना पहुंचे, कोई इंसान मार्केट तक नहीं पहुंचता तो यहाँ अवेलेबल हो जाते हैं, ये इनके लिए जो आपस में भाई दोस्त हैं, ये सब कोयल आई हुई है, सब सारी जितनी भी कोयल वगैरह आई हुई है देख सकते हो, और यही जो है वो सारे स्पीकरों में भी लगेंगी, चाहे वो सैयद भाई के लिए, सैयद भाई के लिए तो स्पेशल अलग आई है, सैयद भाई के लिए लगाई है, ये वैसे सेल के लिए है, मतलब नहीं ये हमारे रिपेयरिंग, आपके रिपेयरिंग के लिए है, ये स्पीकर है सैयद भाई के, तो कंपनी का नाम खरीद लिया, अच्छा ये भी लगेंगे कुछ स्पीकर में, ऐसे स्पीकर भी मतलब कुछ देखने वाले हैं, कौन सी कंपनी के है वैसे सुमित भाई, कंपनी बाद में बताएंगे पर है कंपनी के स्पीकर, एक है कंपनी का, इसका फ्रंट फ्रंट देख लो, फ्रंट देख लो कंपनी का, एकदम ये बताएंगे पहले समझाएंगे स्पीकर को, ये 18 इंच 5 इंच वो, इसको 18 इंच 5 इंच वॉइस कॉल, ये देखो इसकी, ये तो तुम देख रहे हो, ये बारिश में पानी कितने गिर रहा है इसके ऊपर, ये वाटरप्रूफ है, वाटरप्रूफ स्पीकर है, ये उसमें चलेगा वाटरप्रूफ में, बारिश में कॉम्पिटिशन चलेगा, तो ये वाटरप्रूफ सारे स्पीकर वगैरह आए हैं, बिल्कुल एकदम सब्सक्राइब करो, बिल्कुल ऐसा ही वाटरप्रूफ स्पीकर है, बैक करो, ये वाटरप्रूफ स्पीकर है, और मैंने ये बड़ी मुश्किल में 8 पीस 4 और आ रहे 4 मंगवाए, मैं नाम तो मैं तुम्हें क्या बताऊं, ये मार्टिन ऑडियो के हैं वैसे, तो मार्टिन ऑडियो, अच्छा तो इस बार मतलब कोई नई चीज आप दिखाने वाले हो, लेकिन भाई 4 बेस सिर्फ मार्टिन ऑडियो की डाल ली है, 4 बेस खाली सिर्फ मार्टिन ऑडियो की डालोगे आप, अब इसके लिए इनको बोल दो सुमित भाई को, लाइक करो सब्सक्राइब करो, कह दो लाइक करो सब्सक्राइब करो, कह दे लाइक करो सब्सक्राइब, भाइयों एक सिर्फ देख सकते हो JBL की हाइट बढ़ रही है, और ओरिजिनल दे दिया ले, नेटवर्क प्लेट भाई, कैसी नेटवर्क प्लेट है ये, दुनिया कहती है प्रदान, बात सवाई कुछ नया सुनो, नया अभी तो सुना, सुनता है इससे पहले नया, बोले की पगली, बिल्कुल भाई जो बिल्कुल नई बात सुनाएंगे, और बाकी भाई वो अभी कर रहे हैं स्पीकर की साउंड टेस्टिंग, जो नया स्पीकर बिल्कुल एकदम बना है ना उसकी साउंड टेस्टिंग, right।
वाइब्रेशन दिखाने वाले, बिल्कुल एकदम पंच दिखाएंगे अलग ही। विराट रावण अभी दिखेगा, हाँ वही चलाओ विराट रावण। विराट रावण ये सिर्फ भाई 500 वोट गेम चल रही है। विराट रावण बिल्कुल, जब कैबिनेट के अंदर लग जाता तब उसके बाद में बेस पता चलती है। वैसे भी लेकिन आप थोड़ा बहुत अंदाजा ले सकते हो कि स्पीकर जो है वो कैसा पता होगा। 10% इधर हो तो बेस में जाकर पता हो जाएगा। बिल्कुल, जब एम्प भी लगेगा दूसरा और क्रॉसओवर भी लगेगा सब। अभी नया स्पीकर जो है वो खुला नहीं होता। सो गाइस दोबारा से आ चुके हैं वापसी और शाम का टाइम हो चुका है भाइयों। मैं अरुण भाई, पंकज भाई, हम सब जा रहे हैं यात्रा देखने के लिए, क्योंकि हमारे अरुण भाई ने बताई थी आज जगन्नाथ जी की यात्रा है, तो उसमें हम सब जा रहे हैं फिलहाल। तो देख सकते हो हमारे अरुण भाई, पंकज मेरठ भाई, हमारे पंकज मेरठ वाला करके भाई की आइडिया, सभी भाई फॉलो करें और बादशाह भाई को लाइक करें और इनको सब्सक्राइब करें, आधे आधे काम करें सबको। बादशाह भाई कैसा महसूस हो रहा है? महसूस भाई बहुत अच्छा हो रहा है, एकदम एसी चल रहा है, ठंडा ठंडा एसी तो चलता रहे जी गाड़ी। बिल्कुल ये तो है ही। और अब यात्रा में जाएंगे तो यात्रा में डीजे देखेंगे, देखते हैं यात्रा में चार पांच डीजे बता रहे हैं हमारे लाला डीजे जी, पंचगांव बैंड बाजे भी हो सकते हैं। हां लाला जी, लाला जी का भी डीजे है, लाला जी मेरठ और वहां पे जाते हैं हमारे लाला जी। बिल्कुल बहुत बड़ी आदत है हमारे लाला जी की, वो अरुण भाई को भी पता है एकदम, और हमारे पंकज भाई को भी पता है, हमें भी पता है। और सही भाई जब भी मिलेंगे तो मोस्ट वेलकम रहेगा लाला जी की तरफ से, हमारे फुल पेप्सी वगैरह चलेगी, नमकीन वगैरह सब। और बाकी अब चल रहे हैं वहाँ पे यात्रा में मिलते हैं और यात्रा दिखाते हैं आपको कौन कौन से वहाँ पे डीजे आए हुए हैं और नामी ग्रामी सारे डीजे आए हुए। जो नंबर वन डीजे है ना वो आया हुआ है, जो डीजे नहीं होंगे तो बैंड दिखाएंगे, जो डीजे आपने नहीं सुने होंगे ना वो वर्ल्ड डीजे आएगा, अगर डीजे भी नहीं होंगे तो फिर बैंड दिखाएंगे। मेरा बैंड आएगा, ऐसा देखो बैंड 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 के आज तक शर्मा बैंड आएगा, बैंड की द ग्रेट अशोक बैंड, बहुत बैंड आएंगे बहुत सारे। सुमित बैंड दिखाया करेगा डीजे, बिल्कुल भाई अब से मैं डीजे की लाइन छोड़ चुका हूँ, अब से मैं बैंड बाजे की लाइन पकड़ चुका हूँ, क्योंकि बैंड बाजे में ज्यादा पैसा है, वहाँ पे साले पैसे लूट भी लो आराम से ढोल पे बसते हुए, कोई नोटों की बारिश कर रहा है कट्टा भी लेके जाऊंगा मैं तो लूटने के लिए भाई। बिल्कुल एकदम, और बाकी चल रही यात्रा में मिलते हैं बिल्कुल एकदम। बाकी भाई मैं भाई यात्रा का समय जो है वो निकल चुका है और यात्रा जो है वो लाइक करना चैनल सब्सक्राइब करना और मिलते हैं बहुत नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वाचिंग।